Hello, aspirants. Welcome to the UPAC Analyzer. So, today we will discuss newspaper analysis dated 3rd August. And if you are liking this analysis, then please like, share, and subscribe. I have started my UPAC mentorship program, in which I am covering current affairs from several newspapers and magazines and also discussing static parts related to every current affair in detail. If you are interested and want to join this program, for that, you need to visit the Telegram group, and the link of the Telegram group is in the description box. इफ़ यू ज्वाइन दिस प्रोग्राम दैन यू डो नॉट नीड टू रेफर टू एनी अदर करंट अफेयर्स और यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है यू एस ड्रोन मिसाइल स्ट्राइक इन काबुल किल्स अलकायदा चीफ़ तो यहाँ पर अलकायदा चीफ आयमान अलवाहरी को यू एस ने ड्रोन इस्ट्राइक में मार दिया है आयमान अलवाहिरी काबुल अफगानिस्तान में था इसका मतलब यह है कि अफगानिस्तान में टेरिस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर अभी भी एक्टिव है और जो तालिबान है वो सेफ हेवन प्रोवाइड कर रहा है टेरिस्ट को तो जवाहरीज प्रेजेंस इन काबुल शोज दैट दर इंफ्रास्ट्रक्चर इज स्टिल एक्टिव इन अफगानिस्तान एंड द तालिबान आर प्रोवाइडिंग सेफ हेवन इंडिया के लिए क्या लेसन हो सकता है तो इंडिया के लिए यही लेसन हो सकता है कि जो टेररिज्म है वो इंडिया की तरफ डायरेक्ट हो सकता है फ्रॉम एफ पाक स्वाइल तो एफ पाक यहाँ पर न्योलॉजी है कि यहाँ पर जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान है ये एक थिएटर हैं टेर्रिजम के द यूनाइटेड स्टेट स्किल्ड अलकायदा लीडर आयमानल जवाहरी विद द ड्रोन मिसाइल बालकनी और ओसामा बिन लादिन को 2011 में मारा था और यहाँ पर पूरी तरीके से क्लोजर दे दिया गया है अल जवाहिरी को भी मारकर अफगानिस्तान तालिबान गवर्नमेंट हैज़ नॉट कन्फर्म द डेथ ऑफ जवाहिरी क्योंकि यहाँ पर तालिबान गवर्नमेंट नहीं चाहती कि वर्ल्ड को ये पता चले कि जो तालिबान गवर्नमेंट है वो यहाँ पर टेररिस्ट को सेफ हेवन प्रोवाइड करती है और यहाँ पर जो ऐमान जवाहिरी है इसका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल था जो यूनाइटेड स्टेट्स में 2001 में अटैक हुए थे तो उसमें इसका भी रोल था कौन सी मिसाइल को यूज़ किया गया था तो इसके लिए मिसाइल यूज़ की गई थी हेल फायर मिसाइल तो इसके बारे में एक्सप्लेन पेज मर आया है तो वहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हेल फायर मिसाइल यहाँ पर काम कैसे करती है आफ्टर यू एस नेवी सील्स शॉट बिन लादेन इन पाकिस्तान इन दो हज़ार ग्यारह तो दो हज़ार ग्यारह में तो पाकिस्तान को मार गिराया था अब यहाँ पर आयमान अलजवााहरी को भी मार दिया गया है यू एस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन सेट कि तालिबान ने यहाँ पर वॉलेट किया है दोहा एग्रीमेंट क्योंकि दोहा एग्रीमेंट हुआ था बिटवीन द यू एस एंड तालिबान जिसमें तालिबान ने यह कहा था कि वो यहाँ पर टेररिस्ट को शेल्टर नहीं प्रोवाइड करेंगे लेकिन यहाँ पर जो तालिबान है वो टेररिस्ट को शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है तो इन्होंने ग्रोसली वॉयलेट किया है दोहा एग्रीमेंट ये यहाँ पर यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन का कहना है अब इंडिया के लिए क्या लैसेंस हो सकते हैं अब इंडिया के लिए क्या लेसन हो सकते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आयमान अल जवाहिरी ने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी जो इंडिया में हिज़ाब कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी उसके ऊपर इसने ये वीडियो बनाई थी और इसने ये कहा था कि जो मुस्लिम्स हैं उनको आम चढ़ा लेनी चाहिए अगेंस्ट देयर ऑपरेसर्स तो देर आर एटलीस्ट फोर क्लियर रीजन्स फॉर दिस फर्स्ट अल जवाहिरी हैड री सर्फिस्ड इन अप्रैल दिस ईयर एंड इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज वर कंसर्न इन अ वीडियो अल जवाहिरी स्पोक ऑन द हिजाब कॉन्ट्रोवर्सी और उसने ये कहा था कि जो मुस्लिम्स हैं उनको इस असॉल्ट के खिलाफ यहाँ पर फाइट करनी चाहिए फिर इसके अलावा और भी कुछ लेसन है जो कि हम डिस्कस करेंगे सेकंड दिस वीडियो वो सीन बाय द इंडियन स्ट्रैटेजिक एस्टैब्लिशमेंट इज अलकायदा एफर्ट की वो इंडिया में रिक्रूट करने की कोशिश कर रहा है अलकायदा थर्ड हिज किलिंग इन काबुल कन्फर्म्स की जो अलकायदा है उसका अभी भी रिलेशनशिप है नई तालिबान रजीम के साथ फिर फोर्थ ये है इस क्लिंग से हमें ये पता चलता है दैट इंडिया नीड्स टू नेविगेट इट्स इंगेजमेंट विद द तालिबान क्योंकि हम अफ़गानिस्तान को यहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं इसके अलावा हम यहाँ पर आउटरीच करने की भी कोशिश कर रहे हैं काबुल में लेकिन काबुल में अभी भी टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिव है तो हमें यहाँ पर सोच के स्टेप्स अपने लेने पड़ेंगे तो एंड वाइल इंडिया में कंटिन्यू टू हेल्प अफगानिस्तान थ्रू ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस इट हैज़ टू कीप इट्स आइज ओपन फॉर टेररिस्ट एक्टिविटीज जो कि इंडिया की तरफ डायरेक्ट हो सकती हैं फ्रॉम अफगान सॉइल अब यहाँ पर नेक्स्ट सी के लिए मीटिंग हुई है तो सुप्रीम कोर्ट का मीट्स और नेक्स्ट सी जी तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नेक्स्ट कौन से होंगे क्योंकि जो यहाँ पर एनवी रमना है वो रिटायर हो जाएंगे अगस्त ट्वेंटी सिक्स को तो द फाइव जजेस सुप्रीम कोर्ट का हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना तो यहाँ पर किक स्टार्ट हो गया प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ नेक्स्ट सी तो यहाँ पर एक एम है उसके बेसिस पर कैसे यहाँ पर कौन नेक्स्ट सी होगा वो सब हम डिस्कस करेंगे तो एज पर द मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर द डॉक्यूमेंट गवर्निंग द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस एंड द अपॉइंटमेंट ऑफ द सी तो एम में ये कहा जाता है कि सी होगा द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और वो है यहां पर जस्टिस ललित तो मोस्ट प्रोबेबली यहां पर जस्टिस ललित हु इज द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वो यहां पर बनेंगे नेक्स्ट सी और तीन महीने के बाद उनका रिटायरमेंट हो जाएगा नवंबर एट ट्वेंटी को जस्टिस ललित यहां पर दूसरे सी होंगे जो कि यहां पर डायरेक्टली अपॉइंट होंगे फ्रॉम द बार तो जस्टिस ललित विल विद द सेकंड सीजा आफ्टर जस्टिस एस एन सीक्री वॉज अपॉइंटेड डायरेक्टली फ्राम द बार इज अ जज ऑफ़ द सुप्रीम कोर्ट अब हम यहाँ पर थर्ड न्यूज़ पर चलते हैं पेलौसी लेंस एंग्री चाइना वन ऑफ़ टारगेटेड मिलिट्री ऑपरेशन तो यहाँ पर जो नैन्सी पेलोसी हैं ये पहुंच चुकी हैं ताइवान में चाइना ने वार्निंग दी थी कि अगर ये ताइवान में आएंगी तो जो चाइना है वो यू की तरफ यहाँ पर टारगेटेड ऑपरेशन कर सकता है और यहाँ पर सीरियस कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर नैनसी पलौसी ताइवान गई हैं तो यूएस हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव स्पीकर पेलोसी इन ताइवान लेट ट्यूजडे ऑन अ ट्रिप शी सेट डेमोस्ट्रेट अमेरिकन सोलिडारिटी विद द चाइनीज क्लेम्ड सेल्फ रूल्ड आइलैंड तो चाइना का ये कहना है कि एक ही चाइना है और ताइवान यहाँ पर चाइना का ही पार्ट है चाइना कंडेम्ड दिस विजिट और चाइना का ये कहना है कि जो पीस और स्टेबिलिटी है ताइवान स्ट्रेट में उसको यहाँ पर थ्रेटन हो रही है ऐसी यूएस की विजिट से अब यहाँ पर नैन्सी पिलाओसी ने वहाँ पर जाकर क्या क्या बात की तो सबसे पहले तो इन्होंने जो हॉन्गकॉन्ग में डिसेंट को कर्व करने की कोशिश की जा रही है उसके बारे में बात की जो यहाँ पर उघेस मुस्लिम्स का ट्रीटमेंट होता है और यहाँ पर जो चाइना है वो कल्चरल जेनोसाइड करता है उसको यहाँ पर इन्होंने उसके बारे में कहा उसके बाद यहाँ पर चाइना का ये कहना है कि हमारी सॉवर्निटी और टेरिटोरियल इंटैग्रिटी को वॉलेट किया जा रहा है तो इनका ये कहना है कि किसी भी तरीके से वॉयेशन नहीं है ना ही सॉवर्निटी का और ना ही यहाँ पर जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है चाइना की उसका बिल्कुल भी वॉल्यूशन नहीं अगर चाइना को ऐसा लगता है अगर हम देखें तो यूएसए भी यही मानता है कि वन चाइना पॉलिसी को ही यूएसए अडेयर करता है बीजिंग कंसिडर्स ताइवान टू बी पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी एंड हैज नेवर रेनाउंस यूजिंग फोर्स टू ब्रिंग द आइलैंड अंडर इट्स कंट्रोल तो चाइना ये मानता है कि जो ताइवान है वो चाइना का ही पार्ट है और चाइना फोर्स को भी यूज़ कर सकता है वापस से उस आइलैंड के ऊपर कंट्रोल पाने के लिए ताइवान रिजेक्ट्स चाइना सॉवेटी क्लेम्स एंड सीज ओनली कि लोग ही डिसाइड कर सकते हैं ताइवान के कि वो कैसे यहाँ पर गवर्न होना चाहते हैं द यूनाइट स्टेट्स नो ऑफिशियल डिप्लोमैटिक रिलेशन विद ताइवान लेकिन यहाँ पर जो यू एस ए है यू एस ए ये कहता है कि हम जो जो ताइवान है उसको हम डिफेंड करने के लिए हमेशा यहाँ पर ताइवान को सपोर्ट करेंगे तो यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ नो ऑफिशियल डिप्लोमैटिक रिलेशन विद ताइवान बट इज़ बाउंड बाई अमेरिकन लॉ टू प्रोवाइड द आइलैंड विद द मीन्स टू डिफेंड इट सेल्फ तो यहाँ पर जो यू एस ए है वो भी चाइना की वन चाइना पॉलिसी को मानता है लेकिन इंडोर्स नहीं करता उसको एस सच और यहाँ पर यू एस ए का ये भी है कि वो यहाँ पर ताइवान को डिफेंड करने के लिए हेल्प करेगा अब हम आगे चलते हैं यहाँ पर और कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है फ्लैगिंग टेरर थ्रेट इंडिया प्लेजेस सपोर्ट टू मॉडीवस तो मॉलडीवस के प्रेसिडेंट इंडिया आए हुए हैं इब्राहिम मोहम्मद सोली तो मॉलिवस हैड बिन हिट हार्ड बाई द कोविड नाइन्टीन पैंडमिक और इंडिया ने बहुत ज़्यादा हेल्प एक्सटेंड की थी ड्यूरिंग दैट टाइम टू काउंटर द थ्रेट ऑफ ट्रांसनेशनल क्राइम टेररिज्म और ड्रग ट्रैफिकिंग इन द इंडियन ओशन रीजन इंडिया ने यहाँ पर ट्वेंटी फोर व्हीकल्स और एक नेवल बोट दी है मॉलडीव सिक्योरिटी फोर्स को द थ्रेट ऑफ ट्रांसनेशनल क्राइम टेररिज्म और ड्रग ट्रैफिकिंग जो इंडियन ओशन में है वो बहुत ज़्यादा सीरियस है इसीलिए यहाँ पर कोऑर्डिनेशन की जरूरत है बिटवीन द इंडिया एंड द मॉल्डीवस तो उस कोऑर्डिनेशन की बात की गई है फिर यहाँ पर ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट की बात की गई है जो कि यहाँ पर फंड किया गया है बाई द इंडिया तो इंडिया यहाँ पर ग्रांट और कंसेशनल लोन प्रोवाइड कर रहा है फॉर द ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट फिर दोनों कंट्रीज़ का ये कहना है कि ये बहुत सारे यहाँ पर एग्रीमेंट्स करेंगे फॉर एग्जाम्पल इंक्लूडिंग साइबर सिक्योरिटी कैपेसिटी बिल्डिंग हाउसिंग डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन द मालीवस और इसके अलावा यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हंड्रेड मिलियन डॉलर की फाइनेंशियल एड भी प्रोवाइड करेगा आईलैंड नेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए तो ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए हम यहाँ पर फाइव हंड्रेड मिलियन डॉलर प्रोजेक्ट के लिए फंड प्रोवाइड कर रहे हैं एक तरीके से कंसेशनल लोन और ग्रांट की फॉर्म में इसके अलावा हम यहाँ पर हंड्रेड मिलियन डॉलर फाइनेंशियल एड और देंगे टू हेल्प द आइलैंड नेशन कंप्लीट सर्टेन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अब हम आगे चलते हैं ई डी डायरेक्टर्स टेन योर एक्सटेंशन चैलेंज सुप्रीम कोर्ट नोटिस टू सेंटर सी वी सी अब यहाँ पर हम सी वी सी में जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट टू थाउजेंड थ्री है उसमें एक अमेंडमेंट किया गया था और उसमें अमेंडमेंट के थ्रू ये कहा गया था जो यहाँ पर गवर्नमेंट है उसके पास पावर है कि वो ईडी के टेन्योर को एक्सटेंड कर सकती है पाँच सालों तक द पटीशन चैलेंज द अमेंडमेंट्स मेड बाय द गवर्नमेंट टू द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 थ्रू एन ऑर्डिनेंस और जिसमें यहाँ पर गवर्नमेंट ने खुद को ये पावर दी थी कि गवर्नमेंट यहाँ पर ईडी के डायरेक्टर का टेन्योर पाँच सालों तक बढ़ा सकती है अब प्रॉब्लम ये है कि अगर टेनॉर फिक्स नहीं होगा और यहाँ पर ईडी के डायरेक्टर को दो साल के लिए अपॉइंट किया गया है लेकिन अगर उसको ऐसा लगता है कि उसका जो अपॉइंटमेंट है वो और ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए इंक्रीज हो सकता है अगर यहाँ पर गवर्नमेंट चाहे तो वो यहाँ पर गवर्नमेंट को खुश करने की कोशिश करेगा तो ऐसे में जो यहाँ पर ई के डायरेक्टर की इंडिपेंडेंस है वो यहाँ पर कम होती है तो सिंग भी पॉइंटेड आउट दैट इन नाइनटीन द एपिक्स कोट हैड रूल डेट फिक्सिटी ऑफ टेनॉर एक इंपॉर्टेंट हाल है इंडिपेंडेंस का इफ आई नो दैट आई विल और आई विल नॉट गेट अ पीरियॉडिक एक्सटेंशन तो उसकी वजह से जो मेरी इंडिपेंडेंस है वो यहाँ पर कम होती है। है और सुप्रीम कोर्ट की भी 2021 में रूलिंग थी जब यहाँ पर गवर्नमेंट ने ईडी के डायरेक्टर का टेनर दो से तीन साल किया था तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि आपने तीन साल तो कर दिए लेकिन इससे ज़्यादा मत बढ़ाना एंड इट स्टेटेड दैट नो फर्दर एक्सटेंशन सेल बी ग्रांटेड लेकिन उसके बाद यहाँ पर सेंटर ने एक अमेंडमेंट किया और वापस से यहाँ पर एक्सटेंशन दे दिया है अब हम आगे चलते हैं ऐसी कॉशिज झारखंड मूव टू ग्रांट हंड्रेड परसेंट कोटा टू लोकल्स इन गवर्नमेंट जॉब्स तो यहाँ पर झारखंड ने क्या किया था हंड्रेड परसेंट कोटा दिया था लोकल्स को गवर्नमेंट जॉब्स में तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको कॉश कर दिया है जो झारखंड गवर्नमेंट का दो हज़ार सोलह का डिसीजन था टू ग्रांट हंड्रेड परसेंट रिजर्वेशन टू लोकल्स ऑफ थर्टीन शेड्यूल एरियाज तो यहाँ पर यह कहना है हाईकोर्ट का पहले यह कहना था कि यह पूरी तरीके से डिस्क्रिमिनेटरी और इम्पर्मिसेबल है यहाँ पर सिटीजनस के पास इक्वल राइट है लेकिन अगर आप ंड्रेड परसेंट रिजर्वेशन दे रहे हो तो उसका मतलब यह है कि आप एक क्लास ऑफ सिटीजन को पूरी तरीके से एक्सक्लूड कर दे रहे हो एंड द टोटल एक्सक्लूजन ऑफ अदर्स बाई क्रिएटिंग एन अपॉर्चुनिटी फॉर वन क्लास तो ये यह यहाँ पर प्रॉब्लम है कि आप एक तरीके से कुछ कम्युनिटीज को पूरी तरीके से एक्सक्लूड कर दे रहे हो पी एम एल एंड इट्स डिसकॉन्टेंट्स तो हमने यहां पर सुप्रीम कोर्ट के पीएमएलए के ऊपर रूलिंग डिस्कस कर ली है एक बार हम इस आर्टिकल में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं वैसे हम पूरी तरीके से जजमेंट को डिटेल में पढ़ चुके हैं नो कॉन्स्टिट्यूशनली सिंसियर सिटीजन ऑफ इंडिया विल एवर से कि मनी लॉन्ड्रिंग एक सीरियस क्राइम थ्रेटनिंग नहीं है तो मनी लॉन्ड्रिंग एक सीरियस ऑफेंस है नो डाउट नॉट विल शी क्वेरी द पोलिटिकल डिकलेन एंड ग्लोबल प्रोग्राम ऑफ एक्शन अडॉप्टई द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली नाइनटीन नाइनटी का इज़ अ नॉर्मेटिव विच कॉल्स अपॉन द मेबर स्टेट्स टू डेवलप मैकेजम टू प्रिवेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग ना हो तो उसके लिए हमने यहाँ पर पी एम एल ए को लेकर आए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट देयर इज यूनिवर्सल एग्रीमेंट दट प्रोसीड्स ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग आर वेल डिफाइंड बाई द पी एम एल एस प्रोक्सीमेट ऑफेंसिस तो यहाँ पर जो शेड्यूल ऑफेंसिस हैं तो उसमें मनी लॉन्ड्रिंग से जो भी प्रोसीड्स आते हैं उसका जो यूज़ किया जाता है आप कह सकते हो कि वो यहाँ पर प्रोक्सीमेट ऑफेंसेज हैं अगर हम देखें तो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जो अमेंडमेंट बिल था पी एम एल ए का तो उसको यहाँ पर पेश किया गया एज मनी बिल वैसे ही आधार एक्ट 2016 में जब चेंजेस करने थे तो उसको भी यहां पर मनी बिल की तरह लेकर आया गया ऐसा इसीलिए किया जाता है कि राज्यसभा के पास कोई पावर्स ना हो तो यहाँ पर ऑथर ने क्वेश्चन किया बेसिकली दिस इज अ फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन तो आप एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रॉड कर रहे हो तो इट दस वाइसली लीव्स ओपन द क्वेश्चन ऑफ वेद द ट्वेंटी नाइनटीन अमेंडमेंट्स टू द पी एम ए कु हैव बीन ब्रॉड थ्रू बाय द डिवाइस ऑफ द फाइनेंस एक्ट और फिर यहाँ पर आधार एक्ट दो हज़ार सोलह की बात की गई है जिसमें यहाँ पर चेंजेस करने थे तो उसके लिए भी यहाँ पर मनी बिल की तरह ही उसको पेश किया गया सिटीजन्स आर एंटाइटल टू नो वै द कोर्ट नाउ प्रोसीड्स टू आर्टिकुलेट इट जुडिशियल विस्टम इन फाइव फोर्टी फाइव पेज लॉन्ग डिसीजन और यहाँ पर लेजिस्लेटिव को बिल्कुल किसी भी तरीके से नज नहीं किया गया है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो ईडी के पास पावर्स है उसको पूरी तरीके से अपेल्ट किया गया है जो भी ई के पास पावर है यहाँ पर पी एम एल को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो पूरी तरीके से यहाँ पर अपेल्ट की गई है वन होप्स की यहाँ पर जो पार्लियामेंट है वो विजिलेंट हो और इसके अलावा एक क्यूरेटिव पटिशन के बाद एक कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस लेकर आया जाए श्योरली इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स एंड फ्रेमवर्क्स ऑन मनी लॉन्ड्रिंग डू नॉट रिलीव स्टेट्स ऑफ द रिस्पांसिबिलिटी और यहाँ पर रिस्पांसिबिलिटी ये भी है कि आप मनी लॉन्ड्रिंग को तो रोको लेकिन साथ साथ फेयर ट्रायल भी तो होना चाहिए ड्यू प्रोसेस के साथ भी तो कंप्लाइंस होनी चाहिए जो कि नहीं हो रही है गोल्ड इज़ नॉट इनफ तो वेट लिफ्टिंग कैटेगरी में फोर्टी नाइन किलोग्राम कैटेगरी में मीरा भाई चानू को यहाँ पर गोल्ड मेडल मिला है तो ऑचर ने उसकी तारीफ किया है लेकिन ऑथर ने कहा देर इज़ अलॉन्ग वे टू गो तो यहाँ पर जो ऑथर हैं करनाम मलेश्वरी शी इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल एंड शी वन द ब्रॉन्ज इन दिक्सटी नाइन किलोग्राम वेट लिफ्टिंग कैटेगरी एट सिडनी इन टू थाउजेंड तो ये हमने डिस्कस कर लिया अब हम स्टार्ट करते हैं कि इन्होंने क्या कहा है तो इन्होंने ये कहा है कि बहुत कुछ चेंज तो हुआ है स्पोर्ट्स को लेकर लेकिन जो फैसिलिटीज़ हैं वो उन्हीं स्पोर्ट्स पर्सनस को मिलती हैं जिनको कि कोई मेडल मिल चुका है तो इन आर टाइम टू रिकवर फ्राम इंजरीज वी वर टोल्ड टू यूज़ हॉट वैक्स अ कॉमन रेमडी टुडे एथलीट्स हैव अ टीम ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट इसके अलावा डॉक्टर्स हैं जो कि उनके साथ ट्रैवल करते हैं इसके अलावा उनको टॉप ट्रेनर्स दिए जाते हैं उनको यहाँ पर अब्रॉड भेजा जाता है ट्रेनिंग के लिए ड्यू क्रेडिट शुड बी गिवन टू द गवर्नमेंट फर्स्ट और यहाँ पर स्पोर्ट्स फेडरेशन जो कि इन सबको फैसिलिटेट करती है इट शोज दैट दे आर सीरियस अबाउट स्पोर्ट्स और वो यहाँ पर किसी भी लेंथ तक जा सकते हैं टॉप एथलीट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए अब ऑथर ने यहाँ पर टॉप एथलीट्स इसीलिए यूज किया है क्योंकि हो सकता है कि कोई कुछ मार्जिन से यहाँ पर मेडल्स नहीं लेकर आ पाते हैं तो आई सी टॉप एथलीट्स बिकॉज आई बिलीव दैट टू स्टार्ट डोमिनेटिंग इन द एलीट कॉम्पिटन वी नीड टू सपोर्ट एथलीट्स जो कि यहाँ पर मेडल नहीं लेकर आ पा रहे लेकिन उनके अंदर पोटेंशियल है तो वॉट हैपन्स टू जो यहाँ पर स्मॉल मार्जिन से फेल कर देते हैं उन उनको तो आप कोई भी यहाँ पर अवार्ड नहीं देते हो इसके अलावा कोई भी उनको फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करते हो तो ये नहीं होना चाहिए वॉट अबाउट दोज हु शो प्लेंटी ऑफ पोटेंशियल लेकिन वो यहाँ पर मेडल्स नहीं ला पा रहे हैं लेकिन अगर आप उनको राइट ट्रेनिंग दो अगर आप उनको भी अप्रॉड भेजो तो वो भी यहाँ पर मेडल्स लेकर आ सकते हैं तो हैविंग अ पूल ऑफ टैलेंट हर वेट कैटेगरी के लिए ज़रूरी अगर इंडिया को वेट लिफ्टिंग पावर हाउस बनाना है तो हमें चाइना से कुछ सीखना चाहिए चाइना के पास हर कैटेगरी में लगभग बीस लिफ्टर हैं तो अगर एक लिफ्टर इंजर्ड भी हो जाता है उसके बाद भी यहाँ पर चाइना के पास दूसरा लिफ्टर होता है जो कि चाइना उसी कैटेगरी में रिप्लेस कर सकता है तो हैविंग ट्वेंटी टॉप लिफ्टर्स इन वन कैटेगरी ऑल्सो इम्प्रूव द लेवल एट विच दे परफॉर्म क्योंकि अगर एक कोई इंजरी आ गई तो आप यहाँ पर दूसरे से रिप्लेस कर सकते हो लेकिन इंडिया में हमारे पास इतने ज़्यादा लिफ्टर्स हैं ही नहीं क्योंकि हम यहाँ पर फैसिलिटेट ही नहीं करते हैं तो उसके लिए ग्रास रूट्स प्रोग्राम की ज़रूरत है

का उतना ज़्यादा डेंजरस करिश्मा नहीं था जितना उसामा बिन लादेन का था तो सबसे पहले ऑर्थर ने ये कहा है फिर उसके बाद जब आई की राइज हुई तो ऐसे में जो अलकायदा के टेरिटोरियल एम्बिशंस हैं वो थोड़े कम हो गए तो फॉर द राइज ऑफ़ द आई एस आई एस विद इट्स ओन ब्रांड ऑफ टेरर कंबाइंड विद इट्स टेरिटोरियल एम्बिशंस तो अलकायदा एक तरीके से सिर्फ उसकी शेडो बनकर रह गया फॉर इंडिया कीपिंग अकायदा अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटेंटेंट था इट इज़ इंडिया सक्सेस डट द ग्रू फेल टू मेक एनी डेंट इन अ कंट्री और यहाँ पर जो अकायदा है वो रिक्रूटमेंट इंडिया से ज्यादा नहीं कर पाया इन वन ट्वेंटी फोटी वीडियो जवााहरी ने यह अनाउंस किया था कि वो अलकायदा फॉर्म करेंगे इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट जिसका नाम रखेंगे वो एक यू आई ए एस लास्ट ईयर ही सॉट टू मेक कॉमन कॉज इन कश्मीर जब यहाँ पर सेपरेटिस्ट लीडर हरियत लीडर की डेथ हुई थी तो उन्होंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया था फिर यहाँ पर हिजाब कॉन्ट्रोवर्सी के ऊपर भी उन्होंने एक वीडियो बनाया था एंड अर्लियर दिस ईयर फॉलोइंग द हिजाब रो इन कर्नाटका ही पुट आउट एन मैसेज आस्किंग मुस्लिम आर्म्स अगेंस्ट दर ऑपरेस लेकिन अलकायदा का इंडिया के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं हो पाया क्योंकि इंडिया में ये ज्यादा रिक्रूटमेंट नहीं कर पाए तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बाकी जो अफगानिस्तान है उसने दोहा एकॉर्ड का वॉल्यूशन किया है क्योंकि दोहा एकॉर्ड में यहाँ पर अफगानिस्तान ने यह कहा था कि किसी भी टेररिस्ट को ये यहाँ पर शेल्टर नहीं प्रोवाइड करेंगे लेकिन ये लोग यहाँ पर टेररिस्ट को शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पर बात की गई ट्रांसलेटिंग इंडिया तो ट्रांसलेशन रिवोल्यूशन की बात की गई है 1835 में जो मकौले है उसने ये कहा था अ सिंगल शेल्फ ऑफ ए गुड यूरोपियन लाइब्रेरी इज़ वर्थ द होल ऑफ़ नेटिव लिटरेचर इन इंडिया तो इसका ये मानना था जो यूरोपियन लिटरेचर है वो बहुत ज़्यादा वर्दी है दिस व्यू रिफ्लेक्टेड कॉलोनियलिस्टिक नीड टू क्रिएट लेजिटिमेसी फॉर इन्वेजन तो वो तो ये कहना चाहते थे उनका लीडर उनके जो यहाँ पर लिटरेचर है वो भी बहुत ज़्यादा सुपीरियर है जिसकी वजह से वो ऐसे स्टेटमेंट्स देते थे लेकिन हम देखें तो हमारी लिटरेचर बहुत ज़्यादा रिच है इवन वन एटी सेवन ईयर्स आफ्टर हिज रेसिस्ट को इंडिया के पास बाईस ऑफिशियल लैंग्वेजेज़ हैं न्यूज़ पेपर हमारे यहाँ पैंतीस लैंग्वेजेज में पब्लिश होते हैं और इंडिया में आपको बारह सौ लैंग्वेजेस मिल जाएंगी तो हमारा जो कल्चर है लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा रिच है आर लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इज अ गिफ्ट लेकिन हमें इसको ट्रेजर करने की जरूरत है इसको ट्रेजर कैसे किया जाए तो आपको यहाँ पर एक ट्रांसलेशन रिवोल्यूशन करने की जरूरत है तो वी बिलीव द ट्रांसलेशन रिवोशन अंडर वे विल जनरेट मोर आउटपुट इंडिया एट द रेट हंड्रेड दैन इन सेवेंटी फाइव ईयर सिंस इंडिपेंडेंस तो इस रिवॉल्यूशन के लिए ज़रूरी है पॉलिसी टेक्नोलॉजी फ़िलनथ्रापी यूनिवर्सिटीज़ और हमें अपने नॉलेज बेस को एक्सपेंड करने की ज़रूरत है जिसकी वजह से जो हमारा नॉलेज बेस है वो ग्लोबली पहुंच सके जो इंडियन ट्रेज़र है वो यहाँ पर अनलॉक हो सके और जो इंटरनेट है उसमें भी शेयर बढ़े इंडियन लैंग्वेज़ का इंडियास लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैज बीन क्रिएटेड ऑन द इनफर्टाइल सॉइल ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट डाइवर्स सोसाइटी लेकिन जो ट्रांसलेसन है उससे ज्यादा ग्लू यहाँ पर प्रोवाइड होगा इमेजिन की कोई यहाँ पर वेबिनार चल रहा है हिंदी में लेकिन वो यहाँ पर कोई पार्टिसिपेंट तमिल का है जो कि सुन सकता है एक फूड होल सेलर है जो कि व्हाट्सएप मैसेज यहाँ पर रिसीव कर रहा है कनाडा में और यहाँ पर जो लिखा है जिसने वो यहाँ पर बंगाली का फार्मर है तो इसकी वजह से एक ग्लू कनेक्ट होता है जो कि लोगों को कनेक्ट करता है पीपल टू पीपल कनेक्ट यहाँ पर बढ़ता है एंड इमेजिन इफ ए बुक पब्लिश इन इंग्लिश और उसको यहाँ पर ट्रांसलेट किया जाए बट

इट्स अनफेयर टू टॉक अबाउट ट्रांसलेशन विदाउट डीलिंग विद द एलिफेंट इन द रूम और एलिफेंट इन द रूम है इंग्लिश तो इंग्लिश लिंक लैंग्वेज है कि अगर आप यहाँ पर कहीं भी चले जाओ भली उनको आपको उनकी लोकल लैंग्वेज नहीं आती होगी लेकिन आप इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हो तो इंग्लिश यहाँ पर एक लिंक लैंग्वेज है लेकिन 1919 में गांधी जी ने अपने आर्टिकल जो कि यंग इंडिया में उन्होंने लिखा था तो उन्होंने यह कहा था कि रियल एजुकेशन पॉसिबल ही नहीं है किसी फॉरन मीडियम में तो गांधी जी रोच एन आर्टिकल इन यंग इंडिया सजेस्टिंग रियल एजुकेशन वॉज इम्पॉसिबल थ्रू अ फॉरन मीडियम फिर यहाँ पर ऑप्शन ने यही कहा है कि हमें इंडिया में ट्रांसलेशन रिवोलूशन करने की ज़रूरत है इंक्रीजिंग द क्वांटिटी क्वालिटी एंड स्पीड ऑफ टेक्नोलॉजीज एंड पीपल दैट ट्रांसलेट आर लैंग्वेजेज आर इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इंक्लूसिवनेस प्रोस्पैरिटी एंड सॉफ्ट पावर तो पॉलिसी इसको कैटलाइज़ कर रही है इसके अलावा पार्टनरशिप्स भी हो रही है बिटवी द टेक्नोलॉजी फिलंथ्रोपी एंड एकेडमिया तो बेसिकली जो ओवर ड्यू ट्रांसलेशन रेवोलूशन है वो इंडिया में हो जाएगा अब हम आगे चलते हैं ओसामाज पार्टनर अल जवाहरी लेड लाइफ ऑफ स्टीप सीक्रेसी बिचल एंड वॉलेंस तो इसको मार दिया गया है तो वही यहाँ पर वापस से मैंशन है तो आयमान अल अलवाहिरी द इजिप्शियन बॉन सर्जन टर्न जिहादिस्ट हुआ द लीडरशिप ऑफ अलकायदा आफ्टर द किलिंग ऑफ उसामा बिन लादेन तो यहाँ पर सेवेंटी वन ईयर्स का था लेकिन अब इसको मार दिया गया है बाई द यू एस अलकायदा लीडर्स प्रेजेंस इन काबुल टर्म्स स्पॉट लाइन ऑन तालिबान क्योंकि यहाँ पर तालिबान ने दोहा एग्रीमेंट का वॉयलेशन किया है तो तालिबान हैड प्रोमिस्ड इन द ट्वेंटी ट्वेंटी दोहा एग्रीमेंट कि अगर यूएस विड्रॉ करता है अफगानिस्तान से तो यहाँ पर जो तालिबान है वो टेररिस्ट फोर्सेज को शेल्टर नहीं प्रोवाइड करेगा जो कि यहाँ पर तालिबान कर रहा था पाकिस्तान क्या कर रहा था तो पाकिस्तान अभी तक ये कोशिश कर रहा था कि तालिबान को इंटरनेशनल कम्युनिटी रिकोगनाइज कर ले चाइना के इसके ऊपर क्या व्यू है चाइना का क्या ओपिनियन है तो चाइना का भी थोड़ा डिफरेंट ऑफ ओपिनियन है ना। तो चाइना ने ये कहा है कि ये हर तरीके के टेररिज्म के अगेंस्ट है लेकिन यहाँ पर यू ने किसी और कंट्री की सॉवर्निटी को वॉयलेट किया क्योंकि यहाँ पर जो ड्रोन अटैक किया गया वो तो यहाँ पर जाके अफगानिस्तान में किया गया ना तो चाइना ऑन रिएक्टेड टू द किलिंग ऑफ अकायदा लीडर आई मन अजवााहिरी इन ए यूनाइटेड स्टेट्स ड्रोन स्ट्राइक इन अफगानिस्तान से कि यहाँ पर चाइना जो है टेररिज्म के अगेंस्ट है बट एट द सेम अपोज टू डबल स्टैंडर्ड्स ऑन काउंटर टेररिज्म क्योंकि यहाँ पर यूएसए ने किसी दूसरे कंट्री की सॉवर्निटी को वॉलेट किया है तो ये इनका व्यू पॉइंट है चाइना एयरक्राफ्ट बस डिवाइडिंग लाइन विद ताइवान एस पेलोसी लैंड तो यहाँ पर नैन्सी पेलोसी गई हुई है ताइवान तो चाइना ट्यूज़डे वॉन्ट दैट यू एस हाउस स्पीकर पेलोसी पिलाओसी विजिट टू ताइवान तो इसकी वजह से सीवियर इम्पैक्ट हो सकते हैं जो टाइज टाइजम बिटवीन यू एस एंड चाइना और इनका ये कहना है कि अगर यूएसए मानता है वन चाइना प्रिंसिपल तो यूएसए क्यों इसको वॉलिएट कर रहा है तो इट है सीवियर इंपैक्ट ऑन द पॉलिटिकल फाउंडेशन ऑफ चाइना यूएस एस और इसकी वजह से सीरियस सेमिफिकेशन यहाँ पर हो सकते हैं चाइना ये कहता है कि जो यू है वो ताइवान कार्ड यहाँ पर प्ले करने की कोशिश कर रहा है तो यू को यहाँ पर ताइवान कार्ड को प्ले नहीं करना चाहिए और जो ताइवान के मैटर्स हैं उसमें यहाँ पर यू को इंटरफेयर या मेडल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये चाइना के इंटरनल अफेयर हैं देर इज बट वन चाइना इन द वर्ल्ड एंड ताइवान जो है वो इन एलियनेबल पार्ट है चाइना की टेरिटरी का एंड गवर्नमेंट ऑफ द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना वो ही यहाँ पर सो लीगल गवर्नमेंट है जो कि होल ऑफ चाइना को रिप्रेजेंट करती है और वन चाइना प्रिंसिपल को यहाँ पर इंटरनेशनल कम्युनिटी भी रिकोगनाइज कर चुकी है वॉज रिमूव फ्राम ऑफिस फ्रॉम पब्लिशिंग आफ्टर पब्लिशिंग कालापानी मैप तो यहाँ पर जब नेपाल के पी एम ओली थे तो उन्होंने एक मैप पब्लिश किया था और उस मैप में उन्होंने ये कहा था कि कालापानी लिम्पियादूरा और लिपू लेक जो है वो यहाँ पर नेपाल की टेरिटरी है ट्रीटी ऑफ सगौली हुई थी जो ट्रिटी ऑफ सगौली में ये लिखा था कि जो महाकाली रिवर का ओरिजिन है उसका जो वेस्ट का एरिया है वो यहाँ पर नेपाल को बिलोंग करेगा और जो ईस्ट वाला है वो इंडिया को बिलोंग करेगा तो इट बिलोंग टू नेपाल बिकॉज द सगौली ट्रीटी साइन बिटवीन द नेपाल एंड ईस्ट इंडिया कंपनी क्लियरली मैं टेरिटरीज ऑन द वेस्ट ऑफ महाकाली रिवर बिलोंग टू नेपाल लेकिन यहाँ पर जो डिस्प्यूट है वो ये है कि जो महाकाली रिवर है वो ओरिजिनेट कहाँ से होती है लेकिन हमारे अकॉर्डिंग तो ये हमारा ही एरिया है जो इकाला पानी और लिम्पिया का है तो ये हमारी ही टेरिटरी है नेपाल की टेरिटरी नहीं है अब हम आगे चलते हैं पिलोसीस ताइवान विजिट एंड यू एस चाइना टेंशन ताइवान एंड आईलैंड ऑफ ट्वेंटी थ्री मिलियन पीपल एटी माइल्स ऑफ द कोस्ट ऑफ चाइना ये यहाँ पर टेंशन का विषय है बिटवीन वाशिंगटन एंड बेजिंग नौ आर एट न्यू ई एज यूनाइटेड स्टेट्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव स्पीकर नैसी पेलोसी यहाँ पर ताइवान में पहुँच चुकी हैं पेलोसी इज द हाइएस्ट लेवल अमेरिकन ऑफिशियल टू गो टू द आईलैंड नाइनटीन नाइनटी सेवन चाइना ये क्लेम करता है कि ताइवान जो है वो चाइना की ही टेरेट्री है और अगर जरूरत पड़ी तो चाइना फोर्ट से भी इसको वापस ले सकता है इन इज कॉल विद यू एस प्रेसिडेंट जो बाइडन चाइना ने यह कहा था कि अगर यहां पर नैसी पेलासी ताइवान को विजिट करती हैं तो उसके यहाँ पर सीरियस कॉन्सिक्वेंसिस हो सकते हैं प्रेजिडेंट शी हैज लॉन्ग सेट हिस्सा ऑन ताइवान अब प्रेसिडेंट शी जो है उनका यह कहना है कि वो अपने टिनेर में ताइवान को चाइना का पार्ट बनाकर रहेंगे तो शी इज टू तो प्रोजेक्ट इमेज ऑफ स्ट्रेंथ एट होम एंड अब्रॉड जिसकी वजह से वो यहां पर ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं इफ एनी वन टू स्प्लिट ऑफ ताइवान, वी विल नॉट हेजिटेट टू फाइट एंड विल नॉट फ्लिंच फ्रॉम द कॉस्ट एंड विल फाइट टू द वेरी एंड चाइना जो है वो ताइवान के एयर स्पेस में इंकर्जन करता है ताइवान के वाटर्स में इंकर्जन करता है यहाँ तक कि जून में बेजिंग अप द स्टेट्स वन द फॉरन मिनिस्ट्री ने यह डिक्लेयर कर दिया था दैट चाइना का जूरिस्ट है ओवर द ताइवान स्ट्रेट और यहाँ पर जो ताइवान स्ट्रेट है वो इंटरनेशनल वाटरवे नहीं है कुछ अमेरिकन एनालिस्ट का ये भी कहना है कि अगर चाइना और अमेरिका के बीच में अगर स्मॉल स्केल वॉर हो जाती है तो ऐसे में जरूरी नहीं है कि अमेरिका जीते तो सम अमेरिकन एनालिस्ट हैव मेड इट क्लियर दैट चाइनाज़ मिलिट्री कैपेबिलिटीज बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी हैं इनफैक्ट चाइना नाउ हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेवी अब इंडिया का क्या स्टैंड है तो इंडिया भी यहाँ पर वन चाइना पॉलिसी को ही मानता है तो इंडिया डज नॉट हैव फॉर्मल डिप्लोमेटिक टाइज विद ताइवान येट क्योंकि हम भी यहाँ पर वन चाइना पॉलिसी को ही फॉलो करते हैं लेकिन जब 2014 में प्राइम मिनिस्टर मोदी पावर में आए तो उन्होंने ताइवान के अंबेडर को इनवाइट किया था अपनी स्वरिंग इन सेरेमनी में इसके अलावा जो सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन के प्रेसिडेंट है उनको भी इन्वाइट किया था स्वरिंग इन सेरेमनी में वाइल फॉलोइंग द वन चाइना पॉलिसी इंडिया हैज़ एन ऑफिस इन तेपई फॉर डिप्लोमेटिक फंक्शन तो हमारा ऑफिस है लेकिन हम मानते हैं यहाँ पर वन चाइना पॉलिसी को ही है ऑन मे ट्वेंटी दैट ईयर बीजेपी आज टू ऑफ इट्स एम पीज जब यहाँ पर स्वेरिंग इन सेरेमनी होनी थी ताइवान के प्रेसिडेंट की तो वो यहाँ पर बीजेपी की दो एम पीज ने अटेंड की थी थ्रू वर्चुअल मोड हेल फायर आर नाइन एक्स जिससे यहाँ पर अलजवारी को मारा गया तो यह हैल्फायर आर नाइन एक्स आईमन अलजवााहरी वॉज लाइकली किल्ड बाई अलफायर आर नाइन एक्स मिसाइल रिलीज बाई अ ड्रोन इस मिसाइल को फ्लाइंग गिन्सू भी कहते हैं गिन्सू एक जपानीज वर्ड है ब्लेड के लिए तो मिसाइल नोन इज द फ्लाइंग गिन्सु इट uses पॉप आउट sword blades जो कि यहाँ पर किसी का भी गला काट सकते हैं इट वॉज अंडर development सिंस टू थाउजेंड क्योंकि बराक ओबामा का ये मानना था कि जब हम एयर स्ट्राइक करते हैं तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा सिविलियन कैजुअलिटीज़ भी हो जाती हैं तो वो हम नहीं चाहते हैं तो ऐसे में हमें कुछ ऐसा प्रोसीजन वाला सिस्टम डेवलप करना है तो उसके बाद इन्होंने हेल्फायर आर नाइन एक्स मिसाइल को डेवलप किया द यूएस मिलिट्री यूज इट सीक्रेट वेपन द हेल आर नाइन एक्स मिसाइल टू किल अकयदा चीफ ऐमानलजवाहरी वॉट्स द हेलफायर आर नाइन एक्स मिसाइल तो ये यूएस ओरिजिन की मिसाइल है जो कि मिनिमम कोलेट्रल डैमेज करती है तो बेसिकली यहाँ पर प्रोसीजन से उसी इंसान को मारती है और आसपास वालों को यहाँ पर कोई भी नुकसान नहीं होता है इसको निंजा मिसाइल के नाम से भी जानते हैं दिस हेल्प्स इट टू ब्रेक थ्रू इवन थिक स्टील शीट्स और ये यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का यूज करके उसी पर्सन को डैमेज करती है जिसको डैमेज करना होता है द ब्लेड्स पॉप आउट ऑफ द मिसाइल और यहाँ पर जो इंटेंडेड टारगेट है उसको पूरी तरीके से डैमेज करके खत्म कर देते हैं फायर नाइन आर एक्स मिसाइल जो है वो यूएस सर्विसेज में यूज कर रहा है 2017 में इसको यहाँ पर निंजा मिसाइल भी कहा जाता है हेल फायर एक्नम है हेलीबॉन्ड लेजर फायर एंड फर्गेट मिसाइल का और इसको यहाँ पर डेवलप किया है लॉकड मार्टिन ने विंडफॉल टैक्स कट ऑन डीजल जेट फ्यूल डोमेस्टिक क्रूड लेवाई हाइड ये हम डिस्कस करते हैं अमिट द मॉडरेशन इन ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस और यहाँ पर जो मार्जिन वो थोड़े कम हुए हैं तो गवर्नमेंट ने वापस से रिव्यू किया है जो भी यहाँ पर गवर्नमेंट ने लिवाइस इम्पोज़ किए थे और यहाँ पर विंडफॉल टैक्स लगाया था द टैक्स ऑन एक्सपोर्ट ऑफ डीजल को कट कर दिया गया है टू रुपीज़ फाइव पर लीटर इसके अलावा यहाँ पर जो पेट्रोल है अभी भी इसके ऊपर निल टैक्स ही लगेगा और जो यहाँ पर एविएशन टर्माइन फ्यूल है उसके ऊपर यहाँ पर, पर स्क्रैप कर दिया गया है अब गवर्नमेंट ने ये सब टैक्सेस लगाए क्यों थे गवर्नमेंट ने ये सब टैक्सेस इसीलिए लगाए थे क्योंकि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज थी वो जानबूझ के इंडिया में फ्यूल ना सप्लाई करके एक्सपोर्ट कर रही थी तो ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइस हाइड्राइज एन एंड डोमेस्टिक क्रूड प्रोड्यूसर्स वर मेकिंग विंडफॉल गेंग्स और इनको ये लगा कि अगर हम इंडिया की मार्केट में फ्यूल सप्लाई करेंगे तो उसकी वजह से तो हमें नुकसान हो रहा है क्योंकि यहाँ पर प्राइस को बढ़ने नहीं दिया जा रहा था जिसकी वजह से इनको डीजल और पेट्रोल पर लगभग काफ़ी नुकसान हो रहा था तो दे वर लूजिंग रुपीज़ ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव पर लीटर ऑन डीजल और दस से पंद्रह रुपए उनको पेट्रोल के ऊपर नुकसान हो रहा था तो इनको लगा यह काम करते हैं हम इसको एक्सपोर्ट ही कर देते हैं इंडिया में सप्लाई करके क्या फ़ायदा जिसकी वजह से जो इंडिया के फ्यूल पम्प्स हैं वहां पर शॉर्टेज होने लगी तो स्टार्टिंग जून फ्यूल पम्प्स अक्रॉस द कंट्री हैड बिन रिपोर्टिंग फ्यूल शॉर्टेजेस और जिसकी वजह से उनके यहाँ पर क्लोजर होने लग गए फिर यहाँ पर सरकार ने एक्सपोर्ट टैक्स लगाना शुरू किया तो टैक्स ऑन एक्सपोर्ट ऑफ डीजल वॉज कट टू रूपीज फाइव लेकिन अब सिचुएशन कंट्रोल में आ गई है और यहाँ पर जो ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइजेज है वो भी थोड़े कम हो रहे हैं तो यहाँ पर सरकार ने जो टैक्स ऑन एक्सपोर्ट है उसको यहाँ पर कम कर दिया है गवर्नमेंट ऑल्सो इम्पोज द सेस ऑफ रुपीज ट्वेंटी थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी पटन बाई वे ऑफ स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी तो यहाँ पर सरकार ने स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी भी लगाई थी या तो आप इसको विंडफॉल टैक्स भी बोल सकते हो विंडफॉल टैक्स हम डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पर आर ने निकाला है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स तो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स के यहाँ पर तीन पैरामीटर्स होते हैं जो कि होता है एक्सेस यूसेज क्वालिटी तो तीन पैरामीटर्स होते हैं एक्सेस यूसेज क्वालिटी और यहाँ पर जो फाइनेंशियल इंक्लूजन वो बड़ा है और यहाँ पर जो नंबर है वो है फिफ्टी अब एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमने रीड किया तो फर्स्ट पेज पर तो हमने वही जवाहरी वाले न्यूज़ रीड की तो इसका मतलब ये है कि अफगानिस्तान में टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी एक्टिव है तो हमें सतर्क रहना चाहिए कि अफगानिस्तान से जो टेररिज्म है वो इंडिया की तरफ भी डायरेक्ट हो सकता है फिर यहाँ पर नेक्स्ट सी कौन होंगे उसके लिए एम हमने डिस्कस कर लिया कि जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं उनको ही अपॉइंट किया जाता है एस सी फिर यहाँ पर जो नैनसी पलाओसी वो ताइवान में लैंड कर चुकी हैं उन्होंने यहाँ पर बात की कि हॉन्ग में कैसे डिसेंट को कर्व करने की कोशिश की जा रही जो ओघियर्स मुस्लिम्स हैं उनके साथ यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उनका कल्चरल जेनोसाइड हो रहा है अब हम आगे चलते हैं यहाँ पर मॉलडीवस के प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद सोली इंडिया आए हुए हैं तो उसके लिए यहाँ पर कोलाब्रेशन की बात हुई है इन अ रेंज ऑफ एरियाज जो कि हैं साइबर सिक्योरिटी कैपेसिटी बिल्डिंग हाउसिंग डिजास्टर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इसके अलावा ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जिसमें इंडिया 500 मिलियन डॉलर्स प्रोवाइड कर रहा है इसके अलावा 100 बिलियन डॉलर्स की यहाँ पर फाइनेंशियल एड भी प्रोवाइड कर रहा है ट्रांसनेशनल क्राइम टेररिज्म और ड्रग ट्रैफिकिंग को काउंटर करने के लिए इंडियन ओशन रीजन में इंडिया ने चौबीस व्हीकल्स और एक नेवल बोट यहाँ पर मॉलडीव सिक्योरिटी फोर्स को दे दी है फिर सरकार ने यहाँ पर क्या किया था सरकार ने सी में अमेंडमेंट किया था और सरकार ने यह कहा था कि सरकार के पास पावर है कि जो ईडी के डायरेक्टर का टेनोर है वो पाँच साल तक बढ़ाया जा सकता है अब प्रॉब्लम यह है कि इससे जो ईडी के डायरेक्टर की इंडिपेंडेंस है वो यहाँ पर कम होती है फिर ये हम डिस्कस कर चुके हैं गोल्ड इज़ नॉट इनफ तो यहाँ पर ये यह बताया कि वेट लिफ्टिंग कैटेगरी में इंडिया को अगर हमें वेट लिफ्टिंग हब बनाना तो क्या करने की ज़रूरत है तो सिर्फ आपको यहाँ पर टॉप एथलीट्स को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं जो भी एथलीट्स में पोटेंशल आपको सबको यहाँ पर फैसिलिटी प्रोवाइड करने की ज़रूरत है फिर यहाँ पर पी में जो सुप्रीम कोर्ट ने अपेल किया है पी को और ई के पास जो पावर्स उसको अपेल किया है तो यहाँ पर ऑथर ने यही क्वेश्चन किया है कि जो चेंजेस किए गए वो एक तो मनी बिल कहकर इंट्रोड्यूस किया गया जिसकी वजह से हमारे राज्यसभा के पास पावर्स नहीं थी और अब इन्फोर्समेंट डायरेक्ट्रेट को कुछ ज़्यादा ही पावर दे रहे हो तो एस सच इन्फोर्समेंट डायरेक्ट्रेट को पावर देना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर अगर हमें पी को मनी लॉन्ड्रिंग एक सीरियस ऑफेंस है और अगर हमें मनी लॉन्ड्रिंग को करना है तो पावर देने की जरूरत है लेकिन यहाँ पर सिटीजन के भी कुछ राइट्स हैं तो एक बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है फिर यहाँ पर आफ्टर जवाहरी की बात की गई है और इंडिया के लिए क्या लैसेंस हो सकते हैं तो इंडिया के लिए यही लैसेंस है कि हम ह्यूमानिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड तो कर रहे हैं लेकिन हमें इस बारे में भी सोच कर रखना है कि हो सकता है कि अफगानिस्तान से जो टेररिज्म है वो इंडिया की तरफ डायरेक्ट हो फिर ट्रांसले, ट्रांसले... ट्रांसलेटिंग इंडिया तो ट्रांसलेशन रिवोल्यूशन की जरूरत है इंडिया में उसके बारे में यहाँ पर मेंशन था ये हम डिस्कस कर चुके हैं कालापानी पानी लिंपिया धूरा लिपुलिक और सगौली ट्रीटी जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान हुई थी फिर यहाँ पर हमने डिस्कस किया पेलॉसीज ताइवान विजिट हम डिस्कस कर चुके हैं इंडिया भी यहाँ पर वन चाइना स्टैंड को ही मानता है और हमारे ताइवान के साथ कैसे रिलेशन है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया था फिर हेल फायर आर नाइन एक्स मिसाइल उसके बारे में हमने डिस्कस किया जो कि एक फायर एंड फर्गेट मिसाइल है आर बी आई यहाँ पर निकालता है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स जिसमें तीन पैरामीटर्स होते हैं एक्सेस यूसेज क्वालिटी तो ये यहाँ पर मैंशन एक्सेस यूसेज क्वालिटी तो तीन पैरामीटर्स होते हैं और स्कोर जो है इंप्रूव हुआ है फिफ्टी सिक्स पॉइंट नाइन पर पहुंच चुका है फिफ्टी ही जो इस बार का स्कोर है फिर यहाँ पर जो विंडफॉल टैक्स है वो कट किया गया डीजल के ऊपर इसके अलावा जेट फ्यूल के ऊपर जो डोमेस्टिक क्रूड लेवाई है उसको यहाँ पर हाई किया गया है ये सब क्यों किया गया था वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं तो आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया हो थैंक यू एंड अव नाइस डे